आपको पता है सालाना लोग अगर 1 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पे चंदा हो रहा है, 1 करोड़ रुपए इलाके में, तो हम 95 लाख 90 लाख कुर्सों पे और जलसों पे खर्च कर रहे हैं। 50-50 लाख रुपए हम कुर्सों पे खर्च कर रहे हैं, 90-90 लाख करोड़ रुपए हम बाजार बनाने में लगा रहे हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग के यहाँ पे इतना बड़ा गुंबद बना रहे हैं मार्बल लगा के चमकीला, उसके ऊपर सोने का चांदी का कुछ लगा के, उससे बुजुर्ग को कोई फेस मिल रहा है, कोई फायदा हो रहा है? या जो वहां पे जा रहे हैं उनको कोई मिल रहा है, कोई हासिल हो रहा है? तो 1 करोड़ रुपया जो लगाया है वहां पे, उससे हासिल क्या हो रहा है? यही भी अगर दूर से देखने वाले बंदों को लगना चाहिए कि वाह क्या इस कौम ने पैसे खर्च करके बुजुर्ग का मजाक उड़ाया है, काश वो पैसा आपने अपनी बच्चियों की तालीम के लिए खर्च किया होता, मुआशरे में वो पैसा आपने अपनी गरीब बच्चियों की शादियों पे खर्च किया होता जिनके माँ बाप के पास पैसे ना होने की वजह से उनकी बच्चियां उनकी दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो रही। सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं फर्जी चीजों पे जो पैसे लगा रहे हैं, जो असल नहीं है, असल दीन को छोड़ के जो फुरूई चीजें हैं उनके ऊपर हम अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। बुजुर्ग की मजार का मामला यह है कि जाएं, फूल लें, बुजुर्ग की मजार पे पेश करें, दूर खड़े हों, सूरह फातिहा पढ़ें, कुल वल्ला शरीफ पढ़ें, जो आपको आता हो पढ़ें, बुजुर्ग को इशारे सवाब करें, वापस आ जाए, बस चाहे उर्स हो चाहे आम दिनों में फातिहा पढ़ने का मामला हो या और हो, बस ये इतना ही इशारे सवाब है। जो उर्स कह लें आप उसको इशारे सवाब कह लें, हाजिरी कह लें, कुछ भी कह लें, इससे ज्यादा जो कुछ भी कर रहे हैं हम सारा फ्रॉड है, इस्लाम में उसका कोई तस्वीर नहीं है। हम अपने एतबार से हमने जो चीजें बना ली है वो बना लिए, उससे हम लोग आने वाले और सालों के अंदर उसका नुकसान हम लोग और बोलते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, मुझे बताओ हनुमानगढ़ जिले के अंदर कितने गांव मुसलमान, शहर के अंदर मुझे बताओ कोई एक एक भी, कोई दो मंजिला एक मंजिला है मुझे बता दो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट। लेडीज के लिए भी हमने कोई हॉस्पिटल बना दिया हो कि डिलीवरी के केसेस हों के और मामला था, तो कोई मुस्लिम स्पेशल हॉस्पिटल बना दें ताकि हमारी माओ बहनों को जो है वो जब परेशानी हो तो उस वक्त उनको दिक्कत ना हो, आप या मुस्लिम नर्सेज वगैरह या स्पेशल कोई नर्सेज वगैरह लेडीज रख दें ताकि जो है उनके पर्दे का बाकायदा एहतमाम रहे और वो गैरों के सामने जा जाके जलील। कभी हमने इस चीज पे सोचने की कोशिश की? कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि 50-60 हजार 70 हजार मुस्लिम इलाका है, हम लोग एक कोई ऐसी तहरीक बनाए और सालाना कोशिश करें कि गांव में हर एक गांव से 8-10-5 बच्चियां ले जो गरीब है और एक सम्मेलन रखें और साल में 100 गरीब बच्ची और बच्चियों की शादी करवाएं और हम अपने जिम्मे पे लें, उनको कुरान शरीफ दें, जेहज में मुख्तसर चीजें दें और कोई ऐसा एक उनको बिजनेस शुरू कराएं जिसकी वजह से वो बच्ची और बच्चा जो है अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। हमारा सारा पैसा नशे में, शराब में, जुए में, अयाशी में सारा पैसा बर्बाद होता जा रहा है। बड़ा लिखा तबका ना हमारे पास दीन में है ना दुनिया में, दुनियावी लाइन में भी ना हमारे सरकारी नौकर है ना कुछ और है, और दीनी मामलात में भी हमारे पास कोई ढंग के आलिम नहीं है। मेरे सामने अगर कोई है तो आलिम आए फिर बैठे आप बताए, जिनको हम आलिम समझते हैं अक्सर की हालत ये रहती है कि उनको ढंग से देख के कुरान भी पढ़ना नहीं आता। बहुत से ऐसे को देखा है मैंने, एक एक घंटे की तकरीर कर जाते हैं, कुरान की एक आयत भी उनसे पढ़ी नहीं जाती, इधर का वाक्या ला, इधर का हंसी मजाक, इधर का वाक्या सुना के अवाम उठने में खुश और हजरत भी खुश और भारी भारी। तो खुदा के वास्ते इन कानों से भी और इन दिल के कानों से भी हम सोचे, हम अपनी एनर्जी, हम अपना वक्त, हम अपना पैसा कहां पे लगा रहे हैं, और खासतौर से बच्चियों के लिए सोचें